brought to you by Techno Camon 30 series. स्टेशन के नाम पे लोगों को ठगा गया और मुर्गे खाने के जितने छोटे छोटे कमरे, फिर सर मुझे जरूर बताएं जो आपका स्टेटमेंट, जो आप अभी संविधान बचाने के बाद जस्ट आई हर्ड कि आप कह रहे हैं कि संविधान को बचाना है, सर बहुत अच्छी बात है, संविधान कैसे बचेगा सर गरीब जनता के लिए? तो आपका स्टेटमेंट है कि आरक्षण जो है SC BC का वो आर्थिक आधार पे होना चाहिए, वो कास्ट क्रीड पे नहीं होना चाहिए। ये बहुत ऐसी चीज है सर। और दूसरा, चंडीगढ़ में तो सर आपकी गठबंधन है कि ठगबंधन है सर, मुझे समझ नहीं आ रही। एक रेड लाइट पे बाहर चले जाओ तो एक रेड लाइट पार कर लो तो पंजाब के अंदर आ जाओ तो आपका गठबंधन है। तो ये चंडीगढ़ में कैसा ठगबंधन है सर? वहां पे तो एक दूसरे की आप बुराई करें सर, यहाँ पे आ जाए तो यहाँ पे आप कहते हैं कि हम दोनों एक हैं, हम दोनों को आप वोट दीजिए, हमने इतने अच्छे काम किए। वो झाड़ू वाले अपने वोट गिनाते हैं, यहाँ पे आप अपना काम गिना रहे हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ सर, जिन कॉलोनियों में मैं गई सर, आप जिस गाड़ी में बैठते हैं बिस्लरी का पानी पीते हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सर, उन कॉलोनियों में चलिए मेरे साथ, धनास में चलिए मेरे साथ, मलोया में सर चलिए, वहां पे पानी की हालत देखिए सर, दे कांट ड्रिंक दैट फ्यूगल वाला पानी, नहर का पानी वहां सर कांग्रेस ने बंद करवाया सर। ये किस तरीके की ठगी है जो लोगों के साथ हो रही है? मतलब मैं चाह रही हूँ सर, आई थिंक वी शुड हैव अ गुड कॉन्वर्सेशन एंड ओपन डिबेट, जो मुझे नहीं नजर आता कि आज संजय टंडन जी के अंदर इतनी हिम्मत है वो डिबेट कर सके। लेकिन आपने चैलेंज किया, मुझे लग रहा है कि एक नेशनल पार्टी के कैंडिडेट को अच्छे खासे तरीके से एक इग्नोर किया जा रहा है। मुझे लगता है कि हम दम रखते हैं, पोटेंशियल रखते हैं, क्योंकि हम काम के बेसिस पे बात करते हैं सर। मुझे ये तीन चीजों का जवाब चाहिए। सबसे पहले तो सर ये जवाब दे दीजिए, जो SC BC का रिजर्वेशन पे आपने बात कही है कि आर्थिक बेसिस होना चाहिए। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर कि आप यहाँ पे आए। आप में ये हिम्मत है, ये शिद्दत है कि आपने अपने आप स्वयंभू आकर हमारी जो प्रेस वार्ता है उसमें शिरकत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे अखबार में पता लगा कि शायद जब आपको तोला जा रहा था तो कंडा आपके सिर पे गिर गया था, तो मैं आशा करता हूं कि आप पूरी तरह से स्वस्थ हो। तीसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं, देखिए संविधान में शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स का जो आरक्षण है वो संविधान ने सुनिश्चित, उसके बाद जो OBC का आरक्षण है वो एक ऑफिस मेमोरेंडम 1990 में, विश्वनाथ, अब मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार ने निकाला, उसका संशोधन करके 1991 में जब डॉक्टर नरसिम्ह राव की सरकार आई, आप तो शायद दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर भी हैं तो आप जानती होंगी कि उसका अनुमोदन करके PV नरसिम्ह राव जी की सरकार ने उसको निकाला, और उसके बाद वो मामला सुप्रीम कोर्ट में था और 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर मोहर लगाई और जो OBC का आरक्षण है 27% उसको अपोज किया। इसके अलावा कई ऐसे प्रदेश हैं हिंदुस्तान में जहां पे जो आरक्षण है 49% से ज्यादा है, जैसे तमिलनाडु में आरक्षण ऑलमोस्ट 67% है। तो इसलिए जहां तक आरक्षण का सवाल है और कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है, कांग्रेस पार्टी का और बाकी पार्टीज का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। माय स्टैंड इज एब्सोल्युटली क्लियर। माय स्टैंड इज द स्टैंड ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है आप सबको देसी भाषा में समझाना चाहती है, वो संविधान के विरुद्ध काम कर रही है, लेकिन संविधान को बचाने की बात कर रही है, वो आरक्षण के विरुद्ध काम कर रही है कि आरक्षण का बेसिस जो है आर्थिक होना चाहिए, आरक्षण का बेसिस आर्थिक होना चाहिए। इनका स्टेटमेंट है, मैं आर्टिकल दिखा देती हूँ, ठीक एक दिन पहले, कुछ दिन पहले, बिल्कुल मोहन भागवत का सर प्लीज संविधान को बचाने की बात करनी है, बिल्कुल गठबंधन आम जनता की नजर में, जब पंजाब में आप इलेक्शन फाइट कर रहे हैं, सबको बताया इलेक्शन फाइट, बिल्कुल ये है इनकी, क्योंकि इन्हीं लोगों के पार्टी से स्टेटमेंट आती है कि यूपी बिहार के लोगों को चंडीगढ़ से निकाल देना चाहिए, तो ये मायावती जी की स्टेटमेंट है, सुन लीजिए।
कि मायावती एक वुमेन का ये लोग रिस्पेक्ट सामने खड़े होकर नहीं कर सकते। और ये मायावती जी पे आप मायावती जी जब सड़कें नहीं थी ना, वो महिला सड़क पे थी, आप उनके बारे में बात नहीं करें। आप तो चंडीगढ़ में रहते हैं, लेकिन चंडीगढ़ की ये लोग चंडीगढ़ के 110 सेक्टर में रहते हैं, चंडीगढ़ की कॉलोनियों में नहीं रहते, चंडीगढ़ की बस्तियों में ये लोग नहीं रहते। ये लोग, इन लोगों ने हमें देखा अभी, ये लोग गठबंधन की बातें करते हैं, लेकिन एक्चुअली अगर हम ठगबंधन इसको कह रहे हैं तो दर्द हो रहा है, बिकॉज दे हैव नेवर वर्क्ड, दे हैव इन योर कॉलोनीज में बस्तियों में काम नहीं किया है। अभी सिचुएशन ये है कि बहनजी पे टिप्पणी करना, आप ये बता दीजिए आपकी सरकार नहीं थी, SC ST सप्लाई से बता दीजिए क्यों लागू नहीं हुआ, आप बहनजी पे बात करें ना, इनके पास कुछ नहीं है। अब हम बीजेपी की बी टीम बता देंगे, ये काम में ठगबंधन, जनता को ठगना, जनता के लिए काम नहीं करना, कॉलोनियों, ये लोग चंडीगढ़ 110 सेक्टर का दिखाते हैं, ये लोग बस्तियों का चंडीगढ़ नहीं दिखाते, जो चंडीगढ़ कॉलोनीज में बस्तियों बसता है। डंपिंग जोन खाली बीजेपी की देनी थी, कांग्रेस की देन भी थी, और दोनों ही एक थाली के चट्टे पट्टे हैं, दोनों ने गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। अब गरीबों के लिए मात्र एक आरक्षण ऐसी चीज थी जिनका उनके साथ अपलिफ्टमेंट हो सकता है, वो सोशली ऑप्रेस्ड जो बैकवर्ड रह गए, जिनका सदियों से अत्याचार हुआ, जिनके साथ जिनका शोषण हुआ, उनको एक ऊपर उठने के लिए मात्र एक अपॉर्चुनिटी मिली। ये कह रहे हैं कि कांग्रेस का स्टैंड है, इट मींस कांग्रेस का स्टैंड एंटी रिजर्वेशन स्टैंड है, कांग्रेस का स्टैंड दलितों के खिलाफ है, कांग्रेस का स्टैंड बिग बैकवर्ड समाज के खिलाफ है। गिनती करो का ड्रामा करके ये लोग अब ये दिखा रहे हैं कि हम लोग एंटी इन सारी चीजों के हैं। भैंजी पे टिप्पणी करना बदर, इनके पास और कुछ नहीं है, मुद्दों पर बात नहीं करेंगे। चलो मेरे साथ उन बस्तियों में, जिन बस्तियों में मैं जा रही हूं, लोग रो रहे हैं स्किन डिजीजेस से, जो डंपिंग जोन बना है यहां पे डड्डू माजरा के पास, लोग रो रहे हैं सांस की बीमारी से, लोगों के पास गंदा पानी, ट्यूबवेल का पानी पी रहे, नहर का पानी किसने नहीं दिया, दीज आर द इश्यूज। बड़े बड़े जार्गनाइज लैंग्वेज समझ नहीं आती गरीब जनता को, गरीब जनता जिसका वोट लेके ये लोग सरकारें बनाते हैं, भाजपा और कांग्रेस यहाँ पे। और मैं क्यों ना कहूँ मालिकाना अधिकार, सुनिए, मैं क्यों ना कहूँ ये ठगबंधन, जनता को ठग नहीं रहे तो क्या हो रहा है, सवाल ले लीजिए। कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बीच में आप आई हैं, मैं बीच में नहीं आई, नहीं आप एंडेड दैट प्रेस कॉन्फ्रेंस, आपकी पीस मीडिया, आप मीडिया से सवाल लेंगे बट सवाल जवाब ले रहे हैं, जिस तरीके से आप मायावती जी का एलिगेशन लगाना, आप लोग बी टी एम लगाना, सवाल होंगे जवाब तो देखिए कि मैं इस बात का स्वागत करता हूं कि बहुजन समाज पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो यहां पे आए, उन्होंने अपनी तरफ से एक राजनीतिक भाषण दिया। लोकतंत्र में हर आदमी को यह हक है कि मैंने इतना मैडम जी आप चुप हो जाइए मैडम जी, उनकी बात तो सुना दीजिए, सवाल पूछ रहे हैं आप चुप हो जाइए, उनकी बात तो रखने दीजिए, आपने भाषण देना बाहर जाके दी थी, बताइए कहां मालिका नाक देखे गई है, वहां बीजेपी देखे गई है, बताइए जवाब दीजिए वाले, बताइए एक मिनट मैडम जी, मैडम जी बात लग रही है, उनको रखने दीजिए, मैडम उनको रखने दीजिए, मैडम उनको रखने दीजिए, आपने रख ली है, बिल्कुल सुनिए पहले, आप उनको बात रखने दीजिए ना, आप उनको बात सुनिए आपका अप्रिशिएट कर रहे हैं, आप यहाँ पर आए लेकिन आंसर तो लेने दीजिए, आप गंगा करने आए हैं,
नहीं, इन्होंने मालखाना हक नहीं दिया कॉलोनी वालों को, बीजेपी वाले 10 साल राज करके चले गए, कोई मालखाना हक नहीं दिया कॉलोनी वालों को, जवाब दीजिए दोनों पार्टी को। मोबाइल पीछे कर लो, पीछे आई जा रहा बार बार। बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार यहाँ पर हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस, हम उनका स्वागत करते हैं। लोकतंत्र में हर व्यक्ति को यह आजादी है कि अपनी बात करें। मैं साफ तौर पर यह कहना चाहता हूं कि जो पूरी इंडिया अलायंस है वो भारत के संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रही है। ये लड़ाई लड़ रही है कि 2024 इस मुल्क का आखिरी चुनाव नहीं होना चाहिए। जिस आधार पर ये मुल्क काबिज है, जिसको अंग्रेजी में आइडिया ऑफ इंडिया कहते हैं, उस आइडिया ऑफ इंडिया को और सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए। पिछले 10 वर्ष में यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सत्ता रही, अगर कोई जवाबदार है तो भारतीय जनता पार्टी जवाबदार है, उनकी 4 इंजन की सरकार रही, ऊपर गृह मंत्री, नीचे राज्यपाल, उनके 10 साल से सांसद, 8 साल उनका कॉरपोरेशन के ऊपर कब्जा, और पिछले 10 वर्ष में चंडीगढ़ का कोई विकास नहीं हुआ। अगर यहाँ पे लोगों को कॉलोनीज में रीसेटल किया गया, वो काम कांग्रेस पार्टी ने किया। अगर यहाँ पे हाउसिंग बोर्ड के मकान दिए गए, वो भी कांग्रेस के जमाने में हुआ था। और इससे अगर मैं पीछे जाऊं, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की कल्पना थी कि जब वो यहाँ पे आए और ये चंडीगढ़ शहर की जो सबसे आधुनिक शहर है पूरे हिंदुस्तान में, उसकी संरचना की गई। तो इसलिए जब से चंडीगढ़ बसा है तब से लेकर आज तक चंडीगढ़ के संदर्भ में कांग्रेस पार्टी की, इंडिया अलायंस की जो उपलब्धियां हैं वो अनेकों हैं। जो अगर मैं गिनाना शुरू कर दूं तो शाम के 6 बज जाएंगे। और इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि इंडिया अलायंस बिल्कुल पूरी तरह से जीत की ओर अग्रसर है। और मैं ये विनती करना चाहता हूं कि जो संविधान की सुरक्षा की बात करते हैं वो कृपया भारतीय जनता पार्टी की बी टीम न बने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यही बहुत बढ़िया। रुकिए रुकिए, सवाल के जवाब दीजिए। कांग्रेस के भाग्य भाग्य कांग्रेस वाले भाग्य। अब सवाल जवाब दीजिए कि इन्होंने कहा कि संविधान को बचाना, सुनने से बात करो, आधार से बात करो, सुनिए, सुनने से बात करो, आप सुनने से बात करो, बचाना, एससी एसटी सब है,